गुरुग्राम की क्राइम यूनिट पुलिस ने यूपी नोएडा के कुख्यात गैंगस्टर और रणबीर भाटी गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद के रहने वाले सचिन उर्फ मूसा पर 25,000 का इनाम था और फरीदाबाद पुलिस को हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, रंगदारी और फिरौती जैसे संगीन मामलों में इस आरोपी की तलाश थी। यहां यह भी बता दें कि क्राइम ब्रांच ने सचिन उर्फ मूसा के कब्जे से अवैध पिस्टल के साथ कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में सचिन उर्फ मूसा ने खुलासा किया कि उसने और उसके साथियों ने डीएलएफ फेज 2 के पब बार मालिकों से बेरहमी से मारपीट कर लाखों रुपए की रंगदारी और फिरौती की मांग की थी। रंगदारी ना देने की एवज में जान से मारने की धमकी दी थी। सचिन उर्फ मूसा की गुनाहों की लिस्ट छोटी नहीं है। इससे पहले भी सचिन उर्फ मूसा ने अपने साथियों के साथ मिलकर नवंबर 2017 में पलवल में नए बहुचर्चित ओम प्रकाश वकील हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये हमने एक सचिन उर्फ मूसा है, ये गांव तिगांव का रहने वाला है और फरीदाबाद से 25,000 का इनामी बदमाश है ये। उसको आर्म्स एक्ट में हमने अरेस्ट किया है जिससे एक पिस्टल बरामद हुई है हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने। और उससे पहले ये हमारे यहाँ डीएलएफ फेज 2 का एक मामला था, ये एम्पायर वेट क्लब का, और उसमें भी उसके मालिक से इन्होंने मारपीट करके धमकी देके और फिरौती मांगी थी। उस मुकदमे में भी ये वांटेड था। उससे पहले के इसके ऊपर फरीदाबाद से 7 केसेस मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और दूसरे लड़ाई झगड़े के शामिल हैं और यहाँ पे फिरौती मांगने के 3 केसेस इसमें हैं। टोटल 10 केसेस में ये इन्वॉल्व है और इसको हमने अरेस्ट किया है और हमने फरीदाबाद पुलिस को भी इसकी सूचना भेजी जा रही है ताकि वो भी अपनी उस केस में इसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।